हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बाल टूटते झड़ते बालों से आप है परेशान और बिल्कुल आप घर में रखे कुछ सामान से आपके बालों की केयर कर सकते हैं, तो आज हम आपके लिए लाए होम रेमेडी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो उसके लिए हमने ले लिया है शैम्पू। तो आप शैम्पू में एक चीज़ मिला के अगर आपके बालों में लगाओगे, बालों की लंबाई देख के आप चौंक जाएंगे। इतनी स्पीड से आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये नुस्खा काम करेगा। तो आप एक बार ज़रूर ये नुस्खे को अपनाइए ये रेमेडी तैयार करके। तो हमने ले लिया है एक चम्मच चीनी की ले लिए हैं। तो चीनी अक्सर सभी के घरों में मिली जाती है, ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है कि अक्सर कि आपको खरीद के लाना पड़ेगा। और घर में रखे ही आपकी कोई सी भी अगर आप शैम्पू यूज करते हो तो वो वाली आप शैम्पू लेना है आपको। शैम्पू में एक चीज़ इस तरीके से मिला के लगाओगे तो आपके बालों के जो भी टूटना झड़ना, जो भी अगर आपकी समस्या डैंड्रफ या दो मुए बाल है, वो सभी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल गारंटी से मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल भी आपको इस तरीके से आपको हफ्ते में दो बार करोगे, अगर बाल धुलोगे उसके 5 मिनट पहले आप लगा के, तो आपके बालों की सारी समस्या दूर हो जाएगी और बाल है जो इतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे कि आप देख के खुद हैरान हो जाओगे। कटवाते कटवाते थक जाएंगे, एक्ट्रों से भी ज़्यादा इतने शाइनिंग और सिल्की बाल आपके देख के खुद भी अगर पूछेंगे दूसरे लोग भी कि इसमें लगा क्या रहे हो, आप खुद ही चौंक जाओगे। आप इस तरीके से रेमेडी बना के तैयार करोगे तो हमने शैम्पू का पाउच ले लिया। इसमें क्लिनिक प्लस शैम्पू लिए और उसमें हम डाल दिए जो चीनी का पाउडर बना के तैयार किया, उसको इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। और इसमें एक चीज़ आपको और मिक्स करनी है, आपको इस तरीके से लगा कर आप इसको 5 मिनट आपको नहाने से पहले इसको लगाना है। हर हफ्ते में दो बार इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो आपके बालों की पूरी जड़ से जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। डैंड्रफ है, रूसी है, जो दो मुए बाल है, और आपके बाल अगर बढ़ते नहीं है या उगते नहीं है, तो आप सभी चीज़ें इस तरीके से आप करोगे तो ये सभी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। तो यह हमने ले लिया एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, ताज़ा फ्रेश वाला एलोवेरा, तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा को आप अगर आपकी आईब्रो पे भी लगाओगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाएगी। आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही सर्दी नुस्खे हैं, या आप इस तरीके से लगाओगे तो पुराने टाइप में इसी तरीके से लोग ये यूज करते थे और उनके बाल इतने ज़्यादा घने और काले और इतने बेजान जो बाल होते थे, बिल्कुल सिल्की बाल होते थे। इस तरीके से आप यूज करोगे तो जो हमने एलोवेरा का इसका जेल निकाल कर इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आपको इसी तरीके से इसका जेल निकाल लेना है, और नहीं है तो आपके पास इसमें एलोवेरा जेल जो आता है मार्केट में वो भी आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच। तो इस तरीके से हमने एलोवेरा जेल को निकाल लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें मेन शैम्पू आप इस तरीके से डाल के लगाओगे तो आपके बालों में, नहीं तो आपको दोबारा से शैम्पू लगानी पड़ेगी। केवल आपको सूखे बालों में इसको मसाज करनी है, लगा कर धीरे धीरे लगा कर इसको मसाज करना है आपको 5 मिनट के लिए, और 5-7 मिनट आप रख कर फिर बाद में आपको बालों को धो लेना। इसमें ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा और ना ही टाइम ही आपको ये करना है, आपको पहले भी कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिए, देख सकते हैं। और लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसको आराम से इसको रब करते हुए लगाना है, बिल्कुल मसाज करते हुए। तो ये देख सकते हैं, हमने इस तरीके से लगा के हम आपको बता रही है रेमेडी, आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होती है बालों में। तो ये देखिए, हमने लगा लिया इसको, आपको 5 मिनट के बाद में देखोगे तो पूरी चीज़ें अच्छी से आपकी स्किन में चली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी से आपको समझ में आएगी। देखिए, हमने 5 मिनट के बाद में ही आपको दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी से ये बिल्कुल स्किन में चली गई, बालों को अच्छी से ये सोख लिए बाल है जो इसको। तो चलिए, अब इसको नॉर्मल पानी से हम धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।